सो हे गाइस, तो कैसा आप सब। सो गाइस, आज जो फिर से एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ गए हो आप लोग के लिए। तो गाइस, आज एक आप लोग को डांसिंग पैटर्न बना के दिखाऊंगा। तो ये जो है 4 स्टेप का एक पैटर्न आप लोग को दिखाऊंगा बना के। तो डीजे सुशोभन रिमिक्स जैसा पैटर्न होगा, हमिंग वाइब्रेशन पैटर्न में। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न के अंदर जो भी सैम्पल मैं यूज़ करूँगा, सारे जो है मास्टरिंग वगैरह आप लोग को वीडियो पर दिख जाएगा। इस वीडियो को देख देख के आप लोग ये पैटर्न काफ़ी आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस, इसका जो BPM है, डांसिंग पैटर्न का BPM ज़्यादातर 140 150 के आसपास रहता है। तो मैं जो है 150 रख दिया हूँ। और इधर से मैं कुछ मास्टरिंग वगैरह था सारे चीज़ में पहले डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इस मैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ, पर न्यू प्रोजेक्ट ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे सैम्पल मैं ऐड करके रखा हूँ। वो फिर से ऐड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है ओल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो सारे मास्टरिंग वगैरह मैं डिलीट कर दिया हूँ। और इसके बाद ये जो ड्रम्स मैं ले रखा हूँ, इसको आप लोगों को ऐड नोट्स ट्रैक पर काट लेना, क्योंकि इस ये जो पैटर्न बनाऊंगा ये हमारा होगा 1/3 बीट में होगा। तो 1/3 बीट में होगा तो इसलिए जो है इसको ऐड नोट्स ट्रैक करना होगा, क्योंकि इसके ड्रम्स के अंदर जो सैम्पल ऐड करूँगा वो सारे सैम्पल को आसानी से मूव होना चाहिए, मतलब इधर उधर जिधर भी चाहे मूव होना चाहिए। इसलिए जो है इसको ऐड नोट्स ट्रैक करना होगा। तो ऐड नोट्स ट्रैक कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं भी पिछले बहुत सारे वीडियो में बता के रखा हूँ। जैसे कि इधर देख सकते हो, कोई सा भी एक सैम्पल इसको देखो, इस तरह से जो है जिधर चाहे मूव कराना है, तो इसलिए इसको ऐड नोट्स ट्रैक करना होता है। तो इसके लिए इसका इधर होल्ड क्लिक करोगे तो इधर ऐड नोट्स ट्रैक का ऑप्शन दिख जाएगा, इधर से आप लोग कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो सिंपली चलिए ड्रम्स के अंदर चले जाते हैं। तो ड्रम्स के अंदर में काफ़ी सारे सैम्पल जो है जिस जिस सैम्पल इस पैटर्न में लगेगा वो सारा सैम्पल ऐड करके रखा हो। तो एक एक करके आप लोग को सैम्पल दिखा देता हूँ। सैम्पल का नेम आप लोग को दिख रहा होगा, और इसका जो वॉल्यूम वगैरह में अभी कितना रखा वो भी देख लो। इसके बाद मास्टरिंग भी दिखा दूंगा। तो एक एक करके सैम्पल आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा हमिंग वाइब्रेशन किक है, सॉफ्ट किक है। तो गाइस, सारे सैंपल को मैं आप लोगों को सुना दिया हूँ, और सैंपल का वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हो। इस तरह से वॉल्यूम रखना है, बाकी आप सॉन्ग के हिसाब से वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। और किक का जो मास्टरिंग है, किक का इधर जो पॉली है, पॉली को आप लोग को ऑफ कर देना है, क्योंकि इस इधर 4 स्टेप में किक बिठाऊंगा तो ये थोड़ा किक जो है लॉन्ग टाइप का है, तो एक किक के ऊपर एक किक उठ जाएगा, मतलब एक किक के ऊपर चढ़ जाएगा एक किक, तो इससे जो इसका बेस फट जाएगा, इसलिए इस पॉली को ऑफ कर देना है। इससे जो आप लोगों को एक किक के ऊपर एक किक नहीं उठेगा, तो इसलिए आप लोगों को पॉली को जो है किक का पॉली को ऑफ कर देना है। बाकी सारे सैम्पल का आप लोग रहने दे सकते हो। तो किक का सिर्फ जो है इसको ऑफ कर देना है, और बाकी अगर आपका किक ज़्यादा लॉन्ग है तो इसको आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट करने के लिए इस वाला का जो है आप लोग को कम कर देना है, इससे जो आपका किक का जो लॉन्ग है लेंथ कम हो जाएगा। तो बाकी आप लोग पैटर्न बनाने का टाइम भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग को एक बार दिखाया था इस ये वाला जो हमारा नॉब है कैसे काम करता है। तो मैं पहले 4 स्टेप में किक बिठा लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, इसको जैसे ही मैं एकदम कम कर दिया कि कितना शॉर्ट हो गया, लेंथ एकदम कम हो गया। इसके बाद इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो लेंथ फिर से बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग सॉन्ग के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये मतलब BPM हिसाब से एडजस्ट होता है, सॉन्ग का स्पीड कितना है वो हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो फिलहाल मैं इतना रख देता हूँ, और इसके बाद बाकी सारे सैम्पल ऐड कर लेता हूँ। तो बाकी सारे सैंपल का और कुछ ज़्यादा मास्टरिंग नहीं है। तो ये जो है थोड़ा हमारा हैट टाइप का है, तो इसको देखो कैसे बिठाना है। तो इसको जितना हो सके आप लोग को जूम करना है, मतलब जितना जूम होगा उतना कर लेना है जितना हो सके। इसके बाद एक तो मतलब ये जो लाइन है, लाइन का मिडिल पर आप लोग को दो इस तरह से बिठा लेना है। इसके बाद इसको गिन गिन के, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक गिनना है, 6 तक गिन के इसको
पीछे कर देना है। इसके बाद इसको फिर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इधर भी सेम ये जो लाइन है, लाइन का मिडिल पर बिठाना है फर्स्ट वाला को, और दूसरा वाला ऑटोमेटिक इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो हमारा इसका काम हो गया। तो इधर भी जैसे लगाना है इधर भी सेम ऐसे ही लगाना है। और इसके बाद इसको पूरा कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको इधर आगे इधर पेस्ट कर दूँगा। तो आप लोग इसका बॉक्स देख सकते हो, बॉक्स देख देख के आप लोग कर सकते हो। तो इसका नीचे ये वाला ढोलकी लग जाएगा। तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा जो है कम कर देना है। तो वॉल्यूम का आप लोग सॉन्ग के हिसाब से कर सकते हो, सॉन्ग में जैसा अच्छा लगेगा। तो मैं फिलहाल आप लोग को पैटर्न सिर्फ कैसे बनते हैं वो दिखा रहा हूँ। और मास्टरिंग वगैरह जैसे कि पता है कि मिक्सिंग हो जाने के बाद एंड में मास्टरिंग होता है। तो मैं एक बॉक्स के अंदर तीन सैंपल लगाया था। तो इसको इस तरह से जो है, तो इस तरह से लगा देना है। तो बाकी इधर जो है हमारा ये वाला सैंपल को लगाना है, और इसको भी सेम इधर पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ इस प्रकार का लग रहा है। तो इसके बाद इसको भी वॉल्यूम जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद बाकी सारे सैंपल ये घुंघरू टाइप का है, इसको फिल फोर स्टेप में रख देना है। तो ये वाला भी घुंघरू है, तो इसको ऊपर ले जाता हूँ, और इसको भी फोर स्टेप में किक के साथ लगा देना है। और इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है तो वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देना है। तो घुंघरू का वॉल्यूम काफ़ी तेज है, तो इसको मतलब वॉल्यूम जो है थोड़ा सा डाउन करना है। तो ये जो पैटर्न के हिसाब से करना है। तो इसके बाद हमारा इलेक्ट्रो जो है रह गया है, तो इलेक्ट्रो को बिठाना है। तो इलेक्ट्रो को भी सेम जो ऊपर वाला मैं ढोलकी वगैरह लगाया था उसका नीचे इस टाइप का सेम टू सेम लगा देना है। और इसके बाद इधर, और इसके बाद सेम इधर भी, और आगे इधर भी इस तरह से जो हमारा ढोलकी इलेक्ट्रो भी लग गया। तो पैटर्न कुछ सुनने में इस टाइप का लग रहा है। तो इसके बाद ये आप लोग सेव करके जो है सॉन्ग में काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इस टाइप का आप लोग पैटर्न बना सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।